Hi guys, welcome back, welcome again with our channel. तो guys, जैसा स्वरूप जैसा रूप जैसी शख्सियत मेरे साथ बैठी है इस समय, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे चैनल पे ये दूसरे साल हमें आते हुए और हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए तरस गए थे, राइट? आपका सबसे पहले शुभ नाम थागत दीवान। तो दीवान साहब बोल सकता हूँ ना जी? तो कैसा किरदार है यार ये, इतना औसम, मतलब जिसे देख के हर कोई या तो कांप जाता है या भाग जाता है, और आपको ये इतना अच्छा लगता है जी। तो दीवान साहब, आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही गुस्से वाले या एटीट्यूड वाले हैं या नहीं? बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। क्या बात है, जितने भी किरदार मैंने देखे सब यही कहते हैं कि हम वैसे रियल लाइफ में अपोजिट है एकदम जी। और आपका जो ये स्टाइल है, एक बार प्लीज कर दीजिएगा वो जय शंकर की, जय शंकर की। पता है ये चीज आप लोग आने वाले कुछ दिनों में देखने वाले, एक प्रैंक में मैंने कराई है। तो जैसे मेरा चैनल है ना प्रैंक वाला, मैंने ऐसे ही सेम किया इसके। लेकिन भाई बहुत ऑसम रोल, इतना एटीट्यूड, मतलब भाव लाना, एटीट्यूड लाना कहाँ से आते हैं? देखो आपकी निगाह मेरी तरफ नहीं आ रही और मेरी निगाह टोटल आप पर है और आप सिर्फ कैमरे पे देख रहे हो, इतना एटीट्यूड कैसे है? छोटा सा था भैया, तब से रामलीला में हूँ, रावण का रोल करने का मन था, तब से प्रेरणा मिल रखी है करने के लिए। भाई रामलीला में लक्की भैया हुआ करते थे, वो करते थे, उनको देख के सीखा सब। अच्छा, और ये मैं यार बहुत तारीफ कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास इतने अल्फाज ही नहीं है। आप रियल लाइफ में क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। क्या चीज़ का बिजनेस है? प्लाईवुड टिम्बर, लकड़ी का बिजनेस है। प्लाईवुड टिम्बर का बिजनेस है, होलसेल रिटेल या दोनों? होलसेल और रिटेल। चलिए, और उस बिजनेस से इस लाइन की जर्नी कुछ शब्दों में ब्याह कर सकते हैं थोड़ी सी? तो इतनी ब्याह करूँगा, 3 दिन से वापसी दुकान पर नहीं गया हूँ। 3 दिन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई दिनों से आप लोग यहीं पे बिजी हैं। सर हम 15 अगस्त से लेके और दशहरे तक हम यहीं रहते हैं। 15 अगस्त से लेके पहले नवरात्रि तक हम अपना रामलीला की प्रैक्टिस करते हैं, फिर पहले नवरात्रि से लेके हमारी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो अब आप एक बात और बताइए, जैसा ये स्वरूप है बच्चे डरते हैं और आप लोग जो हैं उसको कैसे कैसे, मतलब आज के दिन जब आप यहाँ तैयार होते हैं तब एक अलग चाम होता है या इर्द गिर्द या बाद में बाहर? जैसे मैं देखता हूँ लोग किरदार के पैर छूते हैं, जयमाला बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, ऐसा भी रियल लाइफ में आपके साथ होता है? नहीं नहीं, रियल लाइफ में आप मेरे को देख लो, मैं रावण लगूंगा ही नहीं। मैंने देखा आपको, आप बिल्कुल नहीं लगते। आई बटन पे यहाँ पर बिल्कुल रावण जी के पास में एकदम आई बटन है, वहाँ पर एक वीडियो आएगी, आप उसको देखिएगा। मैंने लास्ट ईयर इनका विदाउट ड्रेस लिया था ना इंटरव्यू आपसे, और तब ये बिल्कुल ही डिफरेंट एकदम, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये रावण है। रावण नहीं है एक्चुअल लाइफ पे, तो रावण नहीं है लेकिन, और एक बार तलवार करेंगे बहुत उमदा यार। बाकी सारी मेहनत आपकी दिखती है, नो डाउट। मैं क्या तारीफ करूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस मामले में, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि जो आपका किरदार है वो आपकी लाइफ से अलग है, और ऐसा किरदार पाना और उसको बना के रखना बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत। और नहीं चीज़ को सर जितना दिल से करेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने एक बात देखी, बहुत से किरदारों को पीछे से बताए जाते हैं डायलॉग्स, आपको कोई डायलॉग बताए नहीं गए? नहीं, एक डायलॉग भी आपने आज 3 दिन में, एक डायलॉग भी ऐसा नहीं था जो आप मिस करे हो या आपने अधूरा बोला हो या किसी तरह की प्रोनंसिएशन गलत करे। सर मैंने आपको बताया ना कि मैं 10 साल का हूँ, तब से मैं रामलीला हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे पहले महामंत्री थे, अब प्रधान बन गए हैं, 10 साल के तब से रामलीला ही देखते आ रहे हैं। ऐसा है कि सर मेरे को और लक्ष्मण के, राम के बहुत सारे डायलॉग उनके भी याद हैं मुझे साथ। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज रामलीला देखने नहीं आती, झूले खा के बाहर से ही चली जाती है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं भाई? बहुत
गलत एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो जीवन का, ये 10 दिन जरूर लो राम मिला के। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए जीवन में, नया नया खून होता है भाई, सारी चीज़ें करने का मन करता है, पहले एक्सपीरियंस जरूर लो। कईयों का कहना है कि हमारे पास पास नहीं होते, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके पास पास नहीं है, आप पीछे वाली सीट पे जाकर चले जाएंगे ना, वहाँ भी हमने स्क्रीन लगा रखी है। हाँ, हमारे गणेश द्वार और पीछे लक्ष्मण द्वार में दोनों में LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, बल्कि हमारे स्टेज के ऊपर भी 10x20 या 30 की स्क्रीन लगी हुई है, और उसके बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे श्री रामला कमेटी के कार्यालय में आके अपने पासिस कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पासिस लेने हो तो भी आप बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो इंटरनेट पे यूट्यूब के जरिए अवेलेबल है, और भी कई माध्यम से अवेलेबल है, और आप वहाँ से भी ले सकते हैं और उनको कॉल करके पासिस ले सकते हैं। तो बस छोटे मोटे और रिक्वेस्ट है, अगर आपको रियल लाइफ में कहीं झगड़ा होता है तो क्या आपके अंदर से रावण निकल के बाहर आता है? हम तो हाथ जोड़ने वाले आदमी हैं, राम भक्त है रावण जी हमारे। प्रभु जय शंकर की, जय शंकर की। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए। मेरे को पता है आप इस ड्रेसअप में बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे होंगे अंदर ही अंदर, आप प्लीज, थैंक यू वेरी मच।